Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू MQ's किचन। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको ये क्यूरिक वालों की तरफ से मुझे कॉफ़ी मशीन मिली है, वो मैं आपको दिखाऊँगी। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे चलती है और इसका पूरा रिव्यू आपको दूंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये मुझे फ्री कैसे मिली। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मशीन मुझे कम्प्लीटली फ्री कैसे मिली, तो ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊँगी कि ये मुझे कैसे मिली। तो चलते हैं यहाँ पे, मैं इसको अनबॉक्स कर चुकी हूँ, हम बॉक्स में से निकाल चुके हैं। ये जो है ये क्यूरिक वालों की 625 जो है ये नई वाली उनकी कॉफ़ी मशीन है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं इसका ऊपर डिस्प्ले भी है। ये टच स्क्रीन का सिस्टम है इसमें सारा। पहले जो था वो बटन्स थे, लेकिन अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा टच सिस्टम है। इसमें आप अपना वाईफाई नेटवर्क सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना वाईफाई कनेक्ट करने के लिए पहले मुझे एक कोड चाहिए था, वो कोड मैंने लिया है, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ये मशीन जो है वो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले खोलेंगे और ये इसके अंदर ये शिपिंग डिस्क है, इसको हम निकालेंगे। ये जो मेरी पुरानी वाली क्यूरिक मशीन थी वो इस तरह से ओपन होती थी, पूरा ओपन करना पड़ता था, लेकिन इसका ये हाफ आप ऊपर से ओपन करके तो इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको खोलेंगे और इसके अंदर के कप्स यूज़ होते हैं, और अगर आप के कप नहीं यूज़ करना चाहते तो एक छोटा सा सेपरेट कप मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कॉफ़ी वगैरह और चाय जो भी आप बनाना चाहें उसमें डाल सकते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले इसमें पानी डाला है, ये बटन प्रेस करेंगे तो ये चल जाएगी, ऑन हो जाएगी। ये आप कोई भी बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के कप्स आते हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप इसमें टाइम चेंज कर सकते हैं, आप इसमें डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम सेट करूँगी इसका, क्योंकि इसका टाइम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है हमारे टाइम से। मेरे पास यहाँ पे 12:23 हुए थे, तो मैंने वहाँ पे टाइम सेट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर सेटिंग्स है, क्लॉक है, लैंग्वेज है, आप इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसमें थ्री ऑप्शंस हैं, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। आप इन तीनों ज़ुबानों में से जो भी ज़ुबान चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर रही हूँ। उसके पास बाद ये देखिए, आप इसमें वॉलपेपर का ऑप्शन है, इसमें फोर ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला चूज़ कर रही हूँ। ये खाली प्लेन ब्लू भी है, ये थोड़ा डिज़ाइन है। इसके साथ साथ इसमें लाइट भी है, आप इसमें लाइट का ऑप्शन है, और लाइट के बाद उसमें लाइट के कलर्स के ऑप्शंस भी हैं, और आपकी ब्रू सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। कई यहाँ पे कप साइज़ भी हैं, ये देखिए स्ट्रॉन्ग भी है और हॉट कोकोआ का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चूज़ किया है। ये डिफरेंट कप साइज़ हैं। मैं यहाँ पे केक कप यूज़ करूँगी तो मैं वही चूज़ करूँगी। नाइट लाइट का भी ऑप्शन है, और नाइट लाइट के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ग्रीन है, रेड है, ब्लू और वाइट है। मैं यहाँ पे ब्लू चूज़ कर रही हूँ। साथ में इसमें आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप वाटर फिल्टर रिमाइंडर्स भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको याद कराया जाए कि आपका वाटर जो है फिल्टर जो है वो चेंज होने वाला है।
जब ये प्री हीट हो रही हो तो इस तरह से ऊपर साइन आएगा कि ये प्री हीट हो रही है। उसके बाद जब ये प्री हीट ख़त्म हो जाएगी तो इस तरह का साइन आएगा, फिर आप लिफ्ट करेंगे और इसमें ये मैं पहले केक कप यूज़ कर चुकी हूँ वो निकालेंगे और इसमें नया केक कप डालेंगे। के पॉड्स जो होते हैं दोबारा से बंद करेंगे तो आपके पास इस तरह ऊपर कप सेटिंग्स आ जाएंगी कि आपको किस साइज़ का कप चाहिए, 8 ounces है, 12 ounces है और 6 ounces है, उसके बाद 4 ounces है। आपको जो साइज़ चाहिए आप वो साइज़ चूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे 8 साइज़ चूज़ कर रही हूँ और उसके बाद आप क्यूरी का बटन दबा दें। जब इस तरह कॉफ़ी निकल रही हो उस वक्त इसको टच ना करें क्योंकि उस वक्त ये गर्म होती है, ये पर लिखा हुआ भी आ रहा है। और अब ये दोबारा से प्री हीट होनी शुरू हो गई है तो मैंने क्योंकि अब इसे यूज़ कर लिया तो मैं इसे बंद कर दूँगी। इसके साथ आप इसमें खाली, अगर आपने कावा बनाना है आपने खाली गर्म पानी निकालना है तो आप वो भी ले सकते हैं। आप इसमें से के पॉड निकाल दें और उसके बाद कप साइज़ चूज़ करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा कप साइज़ जो है वो फिक्स है तो मैं खाली बटन दबा रही हूँ। ये देखिए इसमें से खाली पानी, गर्म पानी निकलता है। आप इसको खाली गर्म पानी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें एक कावा बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं टी बैग्स के साथ। मेरे पास यहाँ पे मोरिंगा और ग्रीन टी का एक टी बैग है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी है ग्रीन टी का या दूसरी टी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप अपनी ग्रीन टी बैग के साथ बनाते हैं उसी तरह गर्म पानी में आप इस टी बैग को डालेंगे और जितना आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना आप बना लें। साथ में यहाँ पे हनी यूज़ कर रही हूँ। आप अगर शुगर यूज़ करना चाहते हैं या आप स्प्लेंडा या कोई और चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, कोई और स्वीटनर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका 2 मिनट में ग्रीन टी रेडी है, अगर आप सुबह सुबह लेना चाहते हैं या शाम में लेना चाहते हैं तो 2 मिनट में रेडी। आराम से बैठें और इन्जॉय करें। अब जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि ये मुझे मिली कैसे थी, तो उसके लिए सबसे पहले ये एक NCP नेशनल कंज्यूमर पैनल का एक ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड करें और यहाँ पे इसमें ये डिफरेंट स्टोर्स दिए गए हैं, उन स्टोर से जो आप चीज़ें परचेज करते हैं आप इस तरह से उनको स्कैन करें उनके बार कोड्स, और फिर आप अपनी परचेज जो है पूरी परचेज उस तरह से सबमिट करेंगे, बताएंगे कि आपने कितने की चीज़ ली है और पूरी जो आपकी टोटल परचेज है वो कितने की है वो सबमिट करवाएंगे। तो वो सबमिट करवाने के बाद ये सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछे जाएंगे, वो इन क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे। जब आप सबमिट करवा देंगे तो एक तो इससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, दूसरे जब सर्वेज आएंगे तो उन सर्वेज के भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो पॉइंट्स होंगे आपके, आप उन पॉइंट्स को अपने अमेज़ॉन के गिफ्ट कार्ड्स या और डिफरेंट गिफ्ट कार्ड्स के ऑप्शंस हैं उनसे आप रिडीम कर सकते हैं, आप वो गिफ्ट कार्ड्स ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको मज़ीद चीज़ें लेने की भी ऑप्शन मिलती है। जैसे मुझे यहाँ से NCP वालों ने एक सर्वे भेजा था, वो सर्वे मैंने किया था और उसमें सिलेक्ट किया गया था मुझे ये क्यूरी काफ़ी मशीन लेने के लिए। ये और भी यहाँ पे डिफरेंट, जैसे कि ये मैंने मेरे अमेज़ॉन के जो मैंने ये सारे गिफ्ट कार्ड्स इनसे लिए हुए हैं ये वाले हैं, इस तरह से आप भी डिफरेंट ले सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।